हाय गाइस, मैं हूँ पीयूष और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अपनी जो धान की कटाई है वो जो चालू हो गई है अभी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हार्वेस्टर चल रहा है पीछे करतार 4000। एक्चुअली मैं जो खेत हैं अपने इधर, ये बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो खेत है एक्चुअली में बहुत गीले रहते हैं, नहर के पास वाले जो खेत हैं यहाँ पे इधर पे, तो यहाँ पे जो है गीला रहता काफ़ी, तो उसके लिए जो हमने लेबर भी लाए थे उधर, वो देख सकते हैं आप, वो खड़े हुए हैं। लेकिन अभी जो है हार्वेस्टर इसमें बन गया है, तो हार्वेस्टर से कटाई हो रही है इसमें। अगर यहाँ नहीं फंसा तो कहीं पे नहीं फंसेगा, जो है पूरा निकल जाएगी धान यहाँ से। तो ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं हम अभी, जब तक टैंक फुल नहीं होता हार्वेस्टर का। वैसे धान तो काफ़ी अच्छी है यहाँ की, काफ़ी जल्दी जो टैंक फुल हो जाएगा। और अपने ट्रैक्टर की जो है सर्विसिंग भी आ गई है अभी, दिखाऊँ मैं आपको, तो ये 497 और चल गया है लगभग, और अभी जो है 200-300 घंटे का अपना और काम रहेगा अभी रोटावेटर का, तो सर्विसिंग करवाने जो उसकी जाएंगे, तो उसका वीडियो भी जो चैनल पे आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ तो भाई ये देखो, टैंक खाली करके जो यहाँ तक गया हार्वेस्टर, और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई आगे, रुक गया है, तो देखते हैं, फोरमैन देख रहे हैं अभी क्या प्रॉब्लम आई है उसमें। तो भैया अपनी जो ट्रॉली में जो बल्ली लगी है आसपास, वो अपन ऐसे लगाए थे क्योंकि मक्का जो है ज़्यादा आ जाती है एक ही बार में इसमें, इस वजह से। लेकिन अभी जो धान की कटाई के समय में जो अड़ रही है ये हार्वेस्टर के जो दाने गिराने वाला रहता है उसमें, तो अभी हार्वेस्टर का जो है टूट गया है बेयरिंग, तो उसको बदलने में लगेगा टाइम, तो जब तक इसको हम खोल लेते हैं ताकि जो आगे अड़े ना, दिक्कत ना जाए उसमें दाना गिराने। देखा जा रहा है यहाँ का ना, ये नहीं नहीं जी, वो तो सूखा है, अच्छा सूखा है वो नीचे वाला, गीला यहीं पर रहता मालूम, वो नहर खुद ही ना अपनी उधर, उसका सीपेज मारता वो होते यहाँ पे। अभी ये धान तो जो है अच्छी साफ आ रही है, ये एक टैंक गिरा है अभी, और ये जो मशीन है ख़राब हो गई है अभी, करतार 4000, तो इसकी रिपेयरिंग में जो आधा एक घंटा लग जाएगा अभी, फिर उसके बाद जो है चालू होगा। तो एक और ट्रैक्टर जो है बुलवा लिया अपन ने अभी, क्योंकि ज़्यादा धान निकलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे एंड करते हैं अपन अपनी वीडियो। इसके आगे का जो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है, तो अगले पार्ट में जो आपको मैं रिपेयरिंग का जो रहेगा हार्वेस्टर का जो भी कुछ होगा उसके बारे में जो वीडियो डालूंगा मैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।